दोस्तों ये ट्रैक्टर है जो 1035 है, इसका स्पीडल ग्रीस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पीडल को साफ सफाई कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। साफ सफाई करके इसको एक जगह रख देना है, और रख देने के बाद में आपको ये बेरिंग है, बेरिंग खोल करके इसके अंदर जो सूखा होता है उसके अंदर तो ग्रीस करना ही है, और ग्रीस आता है उसके अंदर ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर ये सूखा बेरिंग है तो इसके अंदर इस प्रकार ग्रीस डाल करके घुमा देंगे, फिर ग्रीस हो जाएगा। फिर बाद में आप इसको अंदर फिटिंग करेंगे, इसका नंबर है वो ऊपर रखेंगे, जो बेरिंग के ऊपर नंबर आता है, ठीक है, वो ऊपर की साइड में। जैसे मान लो अपना जो मेरा ऊपर का हाथ है, देखो ये, तो ये ऊपर की साइड रखेंगे, इस प्रकार डाल देंगे ग्रीस लगा करके। और इसके इस पेडल के डंडा के अंदर भी ग्रीस लगाना है, ऊपर नीचे दोनों साइड में, इस प्रकार आपको ग्रीस कर देना। और ये ग्रीस करने के बाद में ये थोड़ा थोड़ा इसको भी ग्रीस लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से घुमाई कर सके, इस प्रकार। और ये अंदर डाल देते हैं, ऊपर नीचे करेंगे, बस ये ऊपर नीचे करने के बाद ये अपनी जगह सेट हो गया। तो नीचे हाथ से नीचे थोड़ा दबाए रखेंगे, ऊपर जो भी अपने ऊन का आता है या रबड़ का आता है वो लगा देंगे, इस प्रकार ऐसे इसको अंदर दबाएंगे ताकि वो पानी यानी डस्ट जो भी ऊपर से नहीं जाता है। और उसके बाद में ये जो अपने स्पेडल मक्की होती है वो लगा देना, ये स्पेडल मक्की को लगा दिया। और अब आपको ये टायर रॉड एंड वाला वो होता है वो लगा देना है, जिस ठीक है। और ऊपर से थोड़ा थोड़ा मारेंगे तो वो मक्की के अंदर इस प्रकार फिटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये फिटिंग करने के बाद में आपको ये एक बोल्ट रहता है इसके ऊपर, जो 18 नंबर का भी होता है या 14 नंबर का भी होता है, जो भी बोल्ट होता है वो बोल्ट लगा देंगे। बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट करके लगा देंगे। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरा वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो भेज सकते हैं ताकि उनको भी पता चले इस प्रकार इसका ग्रीसिंग होता है, और आप घर पे भी कर सकते हैं। तो ये बेरिंग है और सील है, दोनों लगाई हुई है, ठीक है। इसको मैंने बाहर नहीं निकाला, बेरिंग सही है, और इसको अच्छी तरह साफ सफाई करके इसके ऊपर ग्रीसिंग कर देंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे, ये ग्रीस कर देंगे इस प्रकार। ग्रीस कर दिया, अब इसके अंदर जो पुराना ग्रीस है वो बाहर निकाल देंगे, ये इस प्रकार जो भी अपना पुराना ग्रीस है बाहर निकाल देंगे, ये दोनों साइड से निकाल लिया। फिर बाद में इसके अंदर नया ग्रीस डालेंगे, ये नया ग्रीस है, इसके अंदर अच्छी तरह से लगा देंगे, ठीक है। ये बड़ा वाला बेरिंग तो लगाया हुआ है, और छोटा वाला अभी लगाना बाकी, जो बाहर की साइड में, ये अंदर की साइड में लगाया हुआ है इस पेडल के ऊपर, ठीक है। ये ग्रीस कर दिया, नया ग्रीस है, और इस प्रकार को पहले टायर लगाना है, ये व्हील को लगा दिया, ठीक है। ये व्हील लगाने के बाद आपको ये बेरिंग लगाना, जो छोटा वाला बेरिंग बाहर के साइड में लगता है, एक वाशर भी लगता है, ठीक है। थोड़ा टाइट है बेरिंग, इसको थोड़े से छेड़े से अंदर लगा देना है, ठीक है, ताकि वो आपकी जगह सेट हो जाए। और फिर बाद में ये वाशर चकनट
जो 30 नंबर पान इस पान लगता है इसका जी। अभी ये ट्रैक्टर पुराना मॉडल है तो इसके अंदर 30 नंबर लगता है, और जो नया मॉडल है अपना जो सिंगल कैंची के अंदर, अभी ये डबल कैंची में, ठीक है, तो ये 30 नंबर लगता है, और जो भी अपने सिंगल कैंची में होती है उसके 32 नंबर लगता है। तो इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, ये टाइट हो गया। अब इसके अंदर चाल देखना, इस प्रकार देखो, ये चाल देखना ज़रूरी है। इसके अंदर पल्ले नहीं रखना चाहिए, ठीक है, पल्ले बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और टायर भी एकदम अपने जगह फ्री घूमना चाहिए। वो ये लॉक पिन है, इस प्रकार आपको लॉक करना है, ठीक है, और इसके जो कैप होती है बाहर के साइड में कैप लगते हैं ना, जो कचरा डस्ट जो भी है अपने रेत है या कुछ भी इसके अंदर नहीं जाए, इसलिए ऊपर कैप लगी होती है, उसके अंदर ग्रीस डालकर और ये लगा देना। इस प्रकार आप अपने घर पे ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये 27 नंबर से टाइट होता है, 26 नंबर का स्पैनर लगता है, 27 नंबर का स्पैनर लगता है, और इस प्रकार टाइट कर देंगे, ये अपना स्पैनर एकदम लूज, ये टाइट घूमने की वजह ये ग्रीस कर दिया, और इसको आप घुमा करके चेक करेंगे, एकदम फ्री घूमना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और लाइक करना है, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है।